तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एरे फॉर्मूला के ऊपर। और जैसे कि हमने कल की क्लास में एरे फॉर्मूले के क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन से मैं दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके सामने नंबर है, मुझे इस डेट में इस नंबर में से एड करना है। मान लीजिए कोई डेट डला हुआ है, सुजीत 4567 एंड कुमार, तो ये जो 4567 है मुझे इसको अलग करना है। तो कैसे करें, तो चलिए इसके मैनुअल कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर इसको ऑटोमेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और इस मिड के फॉर्मूले में हर एक लेटर को अलग अलग करूंगा, समझ गए? कॉमा वन, तो इसको मैंने सेलेक्ट करके एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अलग अलग हो गया। उसके बाद फॉर्मूला आता है हमारे पास इज नंबर का। इज नंबर या इज नॉन टेक्स मैं लगाऊंगा, या इज टेक्स भी लगा सकते हो, मैं इज टेक्स लगाया तो आसान रहेगा। इज टेक्स लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करो, इज टेक्स में तो सब ट्रू होगा, इज नंबर करता हूं, इज नंबर, इज नंबर। ओ सब फॉल्स आ गया, तो इसमें मुझे इज एरर लगाना होगा, इज एरर, और इसको मल्टीप्लाई बाय वन कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई बाय वन क्यों किया, दो फॉर्मूला यहां मर्ज कर दिया कि अगर किसी नंबर को, किसी टेक्स्ट को मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे या प्लस जीरो करेंगे तो वो एरर हो जाएगा टेक्स्ट, लेकिन किसी नंबर पे करेंगे तो नंबर आएगा। तो देखिए इस एरर में जहां जहां ट्रू आ रहा है वो हमारा एरर है, और जहां पे ट्रू नहीं आ रहा है वो हमारा एरर नहीं है, समझ गए? यस सर। यहाँ पे एक काम भी और भी कर सकते हैं, यहाँ पे इज टेक्स्ट करेंगे, नहीं इज टेक्स्ट नहीं, इज नंबर, इज नंबर में इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय वन कर देता हूं, ये सही रहेगा। जहां पे नंबर था वहां वहां ट्रू आ गया। फिर मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और मैच के फॉर्मूले में बोलूंगा ट्रू को मैच करना है, ठीक है, ट्रू को मैच करना है कहां से, तो यहां से कॉमा जीरो। तो ट्रू का पोजीशन पता चल गया कि सातवें नंबर करेक्टर से हमारा ट्रू स्टार्ट है। और फिर मैं सम में इन सबों को सेलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई बाय वन कर दूंगा, तो चार आ गया। मतलब समझे कि आपका सातवें नंबर से स्टार्ट है और चार करेक्टर हमारा नंबर है। फिर मैं मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा और मिड के फॉर्मूले को बोलूंगा कि इस लेटर में जाओ, सात नंबर करेक्टर से चार नंबर, सात नंबर से चार नंबर करेक्टर को उठा, चार करेक्टर को उठा लो, ठीक, 4526 आ गया। तो मेरे को आया, सबसे पहले हमने को अलग किया, फिर हमने मल्टीप्लाई बाय वन करके जहां नंबर है वहां पे ट्रू लाया, इसके लिए हमने इज नंबर का फॉर्मूला लगाया, और फिर मैंने मैच लगा के हमने देखा कि ट्रू कितने करेक्टर बाद है और कितने ट्रू है, और फिर हमने उतना नंबर लेटर से उतना नंबर करेक्टर को उठा लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मिड का, मिड मिड में हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, फिर मैच में हमें ट्रू को सिलेक्ट करना है, ट्रू, ट्रू किसके अंदर, हमने बोला इज नंबर, इज नंबर, और इज नंबर में मैंने दे दिया यहां पे अगेन मिड का फॉर्मूला, और मिड के फॉर्मूले में मैंने सिलेक्ट किया इसको और सिलेक्ट किया रो को, यहां कॉलम नहीं देंगे, रो देंगे, रो एक से लेके
15, बाद इसको ऑटोमेट कर दूंगा मैं, 15 कॉमा 1 लेटर, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से और फिर कॉमा 0। फिर नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमने इसी पूरे को उठाया और हमने सम के अंदर इसको सिलेक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 426 आ गया। अभी जो नंबर है इसमें हम देते हैं इनडायरेक्ट इंडेक्स हो गया, इनडायरेक्ट है ना, हाँ इनडायरेक्ट, और 1 के इन्वर्टेड कॉमा 1 के साथ कॉनकैटेनेट होगा लेन ऑफ द टेक्स्ट, एंड परसेंट लेन और टेक्स्ट, इनडायरेक्ट को क्लोज किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब मैं यहां पे कुछ भी नंबर और टेक्स्ट डालूंगा तो सिर्फ नंबर को अलग करेगा, कोई डाउट इसमें आप लोग को? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा सर, जैसे हम इसे अगर नेम मैनेजर में फॉर्मूले को डाल देते हैं से, तो उसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जरूरत नहीं पड़ती है सर? मैंने डाला था, कंट्रोल शिफ्ट एंटर के बिना ही काम कर रहा था। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया तो करेगा, हाँ वो तो मैंने इतना ही जैसे मेट से आ रहा ना सर, पूरा कॉपी करके वहां पर डाला है तो डायरेक्ट काम कर रहा है सर, मतलब करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना, 8 आपको करना, 11 हम करेंगे। 11 में क्या है कि मुझे जो लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू वो वहां पे शो करानी है, कैसे कराएंगे? चलिए हम आपको इसके लिए बताता हूँ आपको फॉर्मूला। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला इंडेक्स का, इंडेक्स में इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने सिलेक्ट कर लिया काउंट ए, काउंट ए और एन दबा दिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये रिजल्ट फॉर्मूला तभी तक काम करेगा जब तक आपकी सारी वैल्यू फिल है। देखिए यहां मैं 500 लिखूंगा तो आपको 500 शो करेगा, किया 600 लिखूंगा 600, लेकिन जैसे ही बीच में कोई ब्लैंक हो जाएगा ये काम नहीं करेगा, वो नहीं काम करेगा क्योंकि ये काउंट ए के ऊपर चला हुआ है। समझ गए? क्लियर है? यस सर। अब इस चीज को रोकने के लिए तरीका, एक तरीका बता दिया लेकिन एक तरीका काम कब नहीं करेगा वो भी बता दिया आपको मैंने। दूसरा तरीका यहाँ पे आपका है, इसे यहाँ पे लगा देता हूं। दूसरा तरीका है कि अगर यहाँ पे देना है लार्ज, लार्ज इफ अगर ये जहां तक मान लीजिए नीचे तक ले लीजिए इज ग्रेटर देन 0 देन रो, यहां पे इसकी रो उठा लेता हूं मैं, रो ए से लेके ए वन से लेके ए 7 4, कंट्रोल शिफ्ट यहां पे लार्ज क्लोज किया और यहां पे लार्ज 1 कर दिया, कंट्रोल सी फैक्टर। लार्ज पे मैक्स भी लगा सकता हूं मैं यहां पे, तो 24 नंबर नहीं है, 24 इज द रो नंबर, इट लास्ट वैल्यू 24 नंबर रो में लिखी गई है। तो यहां जहां हमने इंडेक्स लगा के काउंट लगाया है उसके जगह पे हम इस 24 को सेलेक्ट कर लेंगे F2। समझ गए?
तो अब अगर बीच में कोई ब्लैंक होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे जितना ही ब्लैंक हो। समझ आया सर? अब छठा नंबर क्वेश्चन कर दिया। अब सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें से हर तीसरी वैल्यू को डेटा को आपको सम करना है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें से कितने यूनिक है और कितने डुप्लीकेट है ये आपको सर्च करना है। दो चीजें हैं आपको करके दीजिए प्लीज, इसके लिए एरे दिक्कत हो जाएगी फिर नहीं तो। आपको एरे की क्लास से भेजी थी तो आपको उसका बुक भी भेजा होगा सर, बुक डाउनलोड किया था आपने? यह सब मैंने किया है। उस बुक में एरे का चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे तो आपको सारा सारे चीज क्लियर हो जाएगी। मोस्टली एग्जाम्पल वहीं से लिया गया है, समझ गए? ओके सर। चलिए तो ये फाइल में व्हाट्सएप कर दूं आपको? जी सर। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? अच्छा आप लोगों ने जो फाइल भेजी है मैं उसको एक बार देख लेता हूँ सर। और ललित जी अभी आप ग्रुप में नहीं है, जैसे आप इनरोल कर लेंगे आप ग्रुप में आ जाएंगे।